The one and only Aamir Khan with Karan Johar. Maa ke pet se mar ghat tak hai teri kahani pak pak pyare dangal 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 suraj tera chadta dhalta gardish mein tarpe hai tare dangal dangal. Namaskar dosto, aaj करण जी ने मुझे बुलाया है मेरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो मैं ये टोपी पहन के आया हूं उनको याद दिलाने के लिए मैं एसीपी राठौड़ हूं. फैंटास्टिक आमिर. मैं एक्चुअली यहां आया था आमिर खान को इंटेरोगेट करने, लेकिन ये पोशाक में देखे मैं थोड़ा आमिर से डर गया हूं. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ऐसा एक सुपरस्टार है जो कंटेंट और बॉक्स ऑफिस के शहंशाह है और शहंशाह रहेंगे. स्वागत है आपका टू इंटरोगेशन विद करण. आप बैठिए. ये हम जरूर कह सकते हैं कि आप नेशनल सुपरस्टार और नेशनल हेरिटेज है हमारे, तो इंटरनेशनल सुपरस्टार भी है. तो ये ट्रैक रिकॉर्ड आपका इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे कायम रखते हैं? मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और मैं जब से मैं छोटा सा था तब से मुझे कहानियों में बहुत दिलचस्पी है. अलग अलग कहानियां सुनना मुझे बहुत पसंद आता है, तो इसलिए जब मैं किसी कहानी को सुनता हूं और मुझे बहुत पसंद आती है तो वो मैं फिल्म करना चाहता हूं. उस वक्त मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता कि ये कितने पैसे कमाएगी या कितनी कामयाब होगी. एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरा मन करता है कि मैं ये कहानी का हिस्सा बनूं, इस कहानी का एक किरदार बनूं, और मैं वही करता हूं. कामयाबी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ऑडियंस के हाथ में. चलिए, ऑडियंस जैसे से कि कंज्यूमर इज ऑलवेज किंग एंड द ऑडियंस इज ऑलवेज राइट, लेकिन आपने हमेशा सही फिल्म बनाई है, इसलिए सही बिजनेस बनी है आपकी फिल्मों की. एंड हर जगह, चाहे वो आपकी फिल्म हो या सलमान खान की फिल्में, कभी आप 300 करोड़ कमा लेते हैं तो कभी वो, तो आप दोनों के बीच में कोई और टिक सकता है क्या इस इंडस्ट्री में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत स्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत ही कामयाब स्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री में. दरअसल मेरी फिल्म 2 साल में एक दफा आती है जी, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो 2 सालों में जितनी कमाई उनकी फिल्मों ने की है वो मैं एक फिल्म में कर लूं. तो मुझे ज्यादा तेज भागना पड़ता है. अच्छा, आई एम ट्राइंग टू कीप अप विद देम. तो आपको क्या लगता है कि दूसरे जो स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, वो क्या नहीं कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक हम सब जो हैं हम अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हैं. हर क्रिएटिव इंसान जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, और हर आदमी की अपनी चॉइस होती है. ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऐसा कर रहा है या कोई ऐसा नहीं कर रहा है या कोई किसी में कमी है, ऐसा कुछ नहीं है. आई डोंट फील दैट. चलिए, तो एक हम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये मेरा छोटा सा सेक्शन है, सुझाव या तारीफ. कुछ नाम मैं लूंगा, बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो अगर मैंने ऐसे नाम ले लिया, या तो आप उनको सुझाव देना चाहते हैं, उनकी तारीफ करना चाहते हैं, उनमें से एक करना पड़ेगा आपको. ओके, आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ. चलिए, रणवीर सिंह जो पर्पल सूट में आए हैं आज यहाँ, आप उनको सुझाव देना चाहते हैं या तारीफ करना चाहते हैं? रणवीर की तो मैं तारीफ ही करूंगा. अच्छा, क्योंकि वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बहुत उनमें, he's got an amazing energy. जी बिल्कुल, बहुत हार्ड वर्किंग एक्टर हैं और हर रोल को जो है वो बहुत समझ के करते हैं, तो मैं उनकी तारीफ ही करता हूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ रणवीर. चलिए, वेरी गुड. हाँ, शाहरुख खान, सुझाव या तारीफ? शाहरुख की भी मैं तारीफ ही करूंगा. He's someone who's really the sweetheart of all of us. He's so charming and wonderful actor. When he comes on screen, the screen lights up with him. चलिए, very good. ये आप सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, सुझाव नहीं देना चाहते आप किसी सुपरस्टार को. मैं सुझाव क्या दूं किसी को? नहीं, सब अच्छा काम कर रहे हैं. सलमान खान, सुझाव या तारीफ? चलो सुझाव. नहीं नहीं, ये देखिए, ये डंडा मेरे पास पहुंच चुका है. अच्छा. सलमान को कोई सुझाव नहीं दे सकता, ये आप खुद जानते होंगे जी. कोई सुझाव नहीं दे सकता सलमान को, हम सिर्फ उसकी तारीफ कर सकते हैं. सिर्फ तारीफ, और वो तारीफ के लायक भी हैं. ही इज अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल एक्टर, ग्रेट स्टार एंड वेरी गुड एंटरटेनर. आई लव वॉचिंग हिज फिल्म्स.
चलिए फैंटास्टिक। आखिर में मुंबई पुलिस, सुझाव या तारीफ? नहीं, मुंबई पुलिस की तो सिर्फ तारीफ ही करेंगे आज। जब मैंने सरफरोश की थी, मैं बताना चाहूंगा, उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि हमारी पुलिस, मुंबई पुलिस कितनी मेहनत करती है। आपको शायद ये बात पता नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस इज सपोज टू वर्क 24/7। जी, ऑफिशियली। जी जी, कोई छुट्टी नहीं मिलती उनको ऑफिशियली। बिल्कुल। और वो लॉ एंड ऑर्डर भी संभालते हैं, डिटेक्शन भी संभालते हैं। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और जब मैंने रिसर्च किया, तब मुझे एहसास हुआ कि कितनी मेहनत करती है हमारी पुलिस। और जब वो अच्छा काम करते हैं तो हम उसको नजरअंदाज करते हैं, हम उसको नोटिस नहीं करते, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। जी, लेकिन जब कभी कुछ हादसा होता है, कुछ अनफॉर्चुनेट चीज होती है, तब हम कंप्लेन करने आ जाते हैं। सो आई थिंक दैट द मुंबई पुलिस डज अ फैंटास्टिक जॉब, एंड टुडे इज अ डे वेयर वी कैन रियली अप्रिशिएट देयर वर्क। जी बिल्कुल। सो लाउड अप्लॉज फॉर द मुंबई पुलिस। आमिर, हम सब जानते हैं कि आपके बड़े टैलेंट्स हैं। इस देश के तो सबसे बेहतरीन एक्टर है ही आप, बहुत काबिल प्रोड्यूसर हैं आप, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन सिंगर भी हैं। आप खुद अपने ऑडिशन से कहे, कभी कभी आप बाथरूम सिंगिंग कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे पार्टीज की शान रहे हैं आप। तो अगर आप, मैं एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगा टू मुंबई पुलिस, वो जो भी हो, प्यार से, दिल से, मोहब्बत से, आपके दिल में जो भी गाना आ जाए, तो आप मुंबई पुलिस और उनके परिवार के लिए कुछ गा लें तो हमारा दिल बागबान हो जाएगा। मैं एक्चुअली बहुत बुरा गाता हूँ, लेकिन मैं जरूर गाना चाहूंगा हमारे दोस्तों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारी मुंबई पुलिस और उनकी फैमिली के लिए जरूर गाना चाहूंगा। ये मेरा फेवरेट गाना है जी, जो मैं गाता हूँ। बिल्कुल। ओ रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओ रे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। फैंटास्टिक आमिर। देखिए अनु जी बैठे वहां पे। हाँ अनु, हाउ वाज दैट? अनु मलिक ने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे दी है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। थैंक यू अनु। ये संगीत की दुनिया के माहिर है अनु मलिक, उन्होंने अप्रिशिएट किया आपकी आवाज। चलिए आमिर, थैंक यू सो मच, आपने गाया। क्विकली मेरे राउंड में एक थोड़ा सा रैपिड फायर होता है, तो चलिए जल्दी जल्दी से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ। कि आप क्या कभी कभी ऐसे बहुत होता है, इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बहुत सारी बातें होती है, चर्चा होता रहता है, आप कभी उस किस्म के इंसान है जो कभी कभी गॉसिप किया करते हैं लोगों के बारे में? हाँ, मैं गॉसिप करता हूँ। आप गॉसिप करते हैं? मैं गॉसिप करता हूँ, बहुत कम, लेकिन करता हूँ। करता हूँ। आप लोगों के पीठ के पीछे कभी कभी लोगों की बुराई करते हैं? बुराई कभी कभी करता हूँ। करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है। आप क्या कॉम्पिटिटिव है, एम्बिशियस है, कि सबसे बेहतरीन सुपरस्टार हमेशा बनना चाहते हैं? आपके अंदर वो एम्बिशन है, वो डिजायर है? नहीं, वो एम्बिशन, वो डिजायर मुझ में नहीं है कि मैं सबसे नंबर वन बनूं, ऐसा कुछ मेरा डिजायर वो नहीं है। मेरा डिजायर ये कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, अपने आप को चैलेंज करूं, और जो मेरे मन में है कि मैं जिस रोल को मैं निभाना चाह रहा हूं वो मैं अच्छे से निभाऊं, दैट इज माय चैलेंज, दैट इज माय डिजायर। आपके अलावा वर्किंग जो एक्टर्स हैं आज के, उसमें से सबसे बेहतरीन एक्टर आपको लगता है वो आपके हिसाब से कौन है? कई एक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने अभी थोड़ी देर पहले रणवीर सिंह की बात की, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। रणबीर कपूर इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। जी, आलिया इज वेरी गुड, आलिया भट्ट इज अ वेरी गुड एक्टर। दीपिका, चलो लवली, एंड आई थिंक आई रियली लाइक आयुष्मान खुराना, he's a wonderful actor. Yeah. Fantastic. Just to name a few, I think there are some wonderful actors we have. Nawazuddin. Nawazuddin. बहुत ही बेहतरीन एक्टर है नवाजुद्दीन। जी, जी, बहुत सारे हैं जो बहुत कमाल का काम करते हैं। और ऐसे कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है जो आपको लगता है कि उनको कुछ ज्यादा मेहनत करनी चाहिए?
क्योंकि आप इतने माहिर एक्टर हैं, तो ये सुझाव आप अगर आप दे दें। मेहनत तो सभी को करनी चाहिए। मेहनत तो सभी को करनी चाहिए। चलिए फैंटास्टिक। और आखिर में ये पूछना चाहूंगा कि कौन है वो एक्ट्रेस जो आपको लगता है कि उन्हें देख के बहुत के वाव, बड़ी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, हॉट है? कौन सी एक्ट्रेस है जिसको देख के मुझे ऐसा नहीं लगता? अच्छा। सब एक्ट्रेसेस सब बहुत ही खूबसूरत हैं। वाह जी हाँ, जगत प्यार है आपके अंदर सबके लिए। ये रहा आपका रैपिड फायर, आपने बहुत ऑनेस्ट जवाब दिए मुझे आमिर। हमेशा हैम्पर का है मेरा, हैम्पर कुछ नहीं, मुंबई पुलिस का प्यार और उनका बेइंतहा मोहब्बत है जो आपको मिल जाता है। बहुत कम मौके मिलते हैं हमें आमिर खान के साथ इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा करने का, तो थोड़ा अगर डांस हमने आपसे करवा लिया तो क्या बोल रहा है? क्यों भाई, बाप रे, थोड़ा डांस तो बनता है।